प्रदूषण में इसका क्या महत्व है, और चौथा की नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जो कि एक फोन इन कार्यक्रम है और मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोन इन कार्यक्रम है हेलो किसान कार्यक्रम, जिसमें हम यहां पर स्टूडियो में अपने विशेषज्ञ मेहमानों से तो चर्चा करते ही हैं, साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए। तो सबसे पहले हम आपको कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें जिस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो आज का विषय है पर्यावरण सुरक्षा और चने में समसामयिक कार्य। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो और इसके पर चर्चा तो हमारी जारी रहेगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सवाल पूछ सकते हैं, नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061 टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखिएगा और फोन लाइन के जरिए ही बातचीत कीजिएगा। और हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर एसडी सिंह, जो कि अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक है वन विभाग नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिंह। नमस्कार। और साथ ही हमारे अगले मेहमान जो हेलो किसान कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर देवाराम बाजिया। डॉक्टर देवाराम बाजिया हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक कीट विज्ञान संभाग श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बाजिया हमारे इस कार्यक्रम में। तो बातचीत की यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, और जैसा कि हमारा पहला विषय है पर्यावरण सुरक्षा, बहुत ही व्यापक और बहुत ही वृहत ये विषय है। तो ऐसे में डॉक्टर सिंह, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप एक भूमिका बना दें, और ताकि जो हमारे दर्शक है वो समझ पाए कि खास तौर पर हम पर्यावरण से जुड़े हुए किन विषयों को छुएंगे। पर्यावरण सुरक्षा की जब बात करते हैं तो बहुत सारे पर्यावरण के आयाम है जिनकी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन खास तौर पर अगर कृषि वानिकी के बारे में हम चर्चा यहां पर करें तो कृषि वानिकी का क्या जो है रोल है, क्या भूमिका है इस विषय पर। जी, बहुत ही अच्छा एक हमारे सामने विषय है, और वो है कृषि वानिकी एवं पर्यावरण सुरक्षा। आप इसको इस प्रकार से लीजिए कि कृषि तो हम लोग खेत में करते ही हैं, चाहे लगभग साल 6 महीने की एक फसल लगाते हैं उसमें, और फिर उसको काट लेते हैं, और उसके बाद में फिर दोबारा खेत को हम जोतते हैं। और परंतु जब कृषि वानिकी शब्द आ जाता है तो वानिकी मतलब पेड़ों को खेतों में जो दूसरी फसलें हैं उनके साथ जोड़ना, और यदि जब इनको इंटेग्रेट कर देते हैं कृषि को पेड़ों के साथ में, तो इसी को ही कृषि वानिकी बोलते हैं। अब अपने आप ही आप समझ लीजिए कि जब हम पेड़ को लगा देते हैं एक बार खेत में थोड़ी दूरी पर, और उसके बीच में जब हम खेती करते हैं तो वो उससे क्या फायदे हो सकते हैं वो आप देखिएगा। एक तो जब हमने खेती जो है बीच में लगाई तो वो खेती तो हमें फायदा दे रही है अपना, और साथ में जब पेड़ हमने बीच में लगा दिया तो पेड़ के अपने क्या क्या फायदे होते हैं वो हमें और साथ में मिलते हैं, और पेड़ से क्या क्या फायदे होंगे हमें अपना एक जो टिम्बर है जो लकड़ी है वो मिलेगी। यदि हमने जड़ी बूटी का पेड़ लगाया है तो जड़ी बूटी भी मिलेगी, यदि हमने फल का पेड़ लगाया तो फल भी मिलेंगे, और साथ में जो इसके पर्यावरण प्रभाव है उनको आप देखिएगा। यदि गंदी हवा जा रही है, बहुत सी उसमें धूल है, और उन पेड़ों से होकर निकलेगी तो वो छनके निकलेगी, बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस होती हैं जो कि पर्यावरण में घुली हुई होती हैं, और पेड़ जो है उनको सोख लेते हैं, बहुत सी जगह में सोख लेते हैं, तो वो एक फायदा मिलता है। तीसरा बहुत जो फायदा है वो आप देखेंगे कि बहुत सी जगह में पत्ते के ऊपर बहुत से कण जो है लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब वो चिपक जाते हैं यदि वो और वो हवा में फिर घूमते नहीं है, घुलते नहीं है या हवा में झूलते नहीं है, तो उससे क्या होगा हमारी हवा जब शुद्ध हो जाती है तो आप वो देखिए कि यदि वो पेड़ नहीं होता तो ये झूलते रहते और फिर हमारे नाक कान मुंह में जा रहे होते और हमें कितना नुकसान पहुंचा रहे होते। डॉक्टर सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है आपने, और पेड़ लगाने के यूं तो कई फायदे हैं, लेकिन खासतौर पर पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए
जाए तो किस किस तरह के फायदे हैं और किस तरह से आपके लिए ये लाभप्रद हो सकता है, विस्तार से इस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम है, क्योंकि पर्यावरण और जीवन के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा भविष्य और अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दरअसल पर्यावरण संरक्षण पेड़ों और हरियाली के संरक्षण को दर्शाता है, लेकिन व्यापक रूप में इसका इस्तेमाल सभी जीव जंतुओं यानी पूरे ग्रह की सुरक्षा से है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जल, जमीन, हवा और वन संरक्षण बहुत जरूरी है, जिसको लेकर सरकार कई कदम उठा रही है। सरकार और कई संस्थाएं लगातार अलग अलग तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। गंगा किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसी तरह तालाबों, नहरों, सड़क किनारे और खेतों के मेड़ों पर पेड़ लगाना भी पर्यावरण के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण न केवल वायु प्रदूषण को रोकने में मदद करता है बल्कि जल प्रदूषण को भी कम करता है। इसके अलावा खेती बाड़ी में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना भी पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। गौरतलब है कि किसी भी संसाधन का दुरुपयोग या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना उचित नहीं होता। पानी का संरक्षण भी बिना हमारे सहयोग के नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए पेड़ों को लगाना बहुत जरूरी है, उसी तरह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए भी उपाय तलाशने होंगे। जी हाँ, तो पर्यावरण सुरक्षा पर ये एक अहम रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रुक करना चाहूंगी मैं अगले मेहमान का। डॉक्टर बाजिया, यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे चने की खेती के बारे में। अगर जो किसान है चने की, यूं तो उन्होंने बुआई की होगी लेकिन जो अब तक नहीं कर पाए हैं, क्या उनके पास अभी समय है बुआई करने के लिए, और अगर वो करना चाहें तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार, जैसे कि आपको पता ही है कि जो चने की बिजाई का सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य का समय माना गया है। अगर आपने किसी किसान भाई बहन ने अगर बिजाई नहीं की है तो उसके लिए अब जो लेट किस्में हैं उनकी आप बिजाई कर सकते हैं। उसके लिए जो लेट किस्म है GNG 1581 है और एक RS 991 जो किस्म है, ये लेट बिजाई करने पर भी अच्छी पैदावार देती है जी। और इसकी बिजाई के लिए आपको पता है ये खेत की अच्छे से जुताई, मिट्टी पलटने वाले हर से खेत की जुताई करने के बाद में जो सड़ी गली गोबर की खेत के अंदर खाद मिलानी है जी। और जो बिजाई के समय है इसके अंदर चने के अंदर ज्यादा उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो नत्रजन उर्वरक होता है वो 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा ही की जरूरत पड़ती है। इसका कारण ये कि जो चना की फसल है ये दलहनी फसल है और इसकी जड़ के अंदर राइजोबियम कल्चर होता है, जीवाणु होता है जो वातावरण में जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको फिक्स करके पौधे को अवेलेबल करवा देते हैं। इसलिए शुरुआत अवस्था में पौधे की जब 20-25 दिन का 30 दिन का पौधा होता है उस टाइम तक नत्रजन उर्वरक की जरूरत है, बाकी पौधा अपने आप ही नत्रजन उर्वरक ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी खेती से जुड़ी और जानकारियों के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। उत्तरी भारत में धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ने की फसल काटने के बाद जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, चने की बुआई नवंबर के अंत तक या दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। बुआई के 30 से 35 दिनों बाद निराई गुड़ाई जरूर कर ले। मृदा और बीज जनित
कई कवक और जीवाणु रहित रोग ऐसे होते हैं जो अंकुरण होते समय तथा अंकुरण होने के बाद बीजों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बीजों के अच्छे अंकुरण और स्वस्थ पौधों की पर्याप्त संख्या के लिए बीजों को कवकनाशी से बीज उपचार करना अच्छा रहता है। बीज उपचार 10 से 12 घंटे पहले कर लेना चाहिए। पछेती बुआई के लिए उन्नत प्रजातियां जैसे पूसा 547, पूसा 256, पूसा 362, पूसा 372, पूसा धारवाड़ प्रगति, पूसा 1103 और BGM 547 लगा सकते हैं। चने की पछेती बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने और जाड़े की वर्षा ना होने पर बुआई के 45 से 75 दिनों के बाद सिंचाई करना फायदेमंद रहता है। कली का तुड़ाई फसल के 35 से 40 दिनों बाद करें और मुख्य कलिकाओं को ऊपर से अवश्य तोड़ें ताकि नीचे से नई कलिकाएं निकलकर प्रति पौधा अधिक शाखाएं हो सकें। चने में पहली निराई प्रथम सिंचाई के पहले तथा दूसरी निराई सिंचाई के उपरांत ओट आने पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। जी तो रिपोर्ट देखिए आपने, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर बाजिया, जैसे कि आपने बताया कि पछेती बुआई अभी भी चने की किसान कर सकते हैं और रिपोर्ट में भी हमने देखा बीजोपचार का जिक्र किया गया था, मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसान साथियों को समझाएं कि बीजोपचार करना क्यों जरूरी रहता है और किस तरह से बीजोपचार करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, अगर कोई भी बीज जब हम लगाते हैं तो उसका बीज उपचार बहुत ही जरूरी है और उसके लिए जो तीन तरंगी में एक आपको वर्ड बताऊंगा FIR, जिसको हम बोलते हैं कॉमन भाषा के अंदर FIR, हर आदमी जानता है जी। तो FIR का मतलब होता है कि फर्स्ट, एफ का मतलब हो गया फंजीसाइड से बीज का उपचार कर, फफूंद नाशक, एफ का तो फफूंद नाशक जो भी बीज जनित बीमारी है जो बीज के द्वारा फैलता है जो फफूंद, उसका उपचार करने के लिए फफूंद नाशक से बीज को उपचारित करें। तो उसमें कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, जिसके अंदर जो जहां पे उकठा रोग जो आएगा चने की फसल के अंदर, तो उसके अंदर 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज का उपचार करना चाहिए। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड FI, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवा, जैसे कि दीमक की बड़ी समस्या रहती है तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस है या इमीडा क्लोप्रीड 17.8% SL, जिसकी 5 से 7 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से उसमें बीज को उपचारित करना चाहिए। तीसरा उसके बाद में आता है राइजोबियम कल्चर, जो नत्रजन उर्वरक फिक्स करता है उसका बैक्टीरिया होते हैं, उससे बीज का उपचार करना चाहिए और इनको बारी बारी से उपचारित करके छाया में पेड़ के नीचे सुखाकर 2 से 3 घंटे बाद में उसकी बीज उपचारित होने के बाद में बिजाई कर देनी चाहिए जी। अगर हम इतना करेंगे तो एक तो हमारा ये फायदा होगा कि जो शुरुआती अवस्था के अंदर जो कीट लगने वाला है, जो दीमक है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा पौधे पे। दूसरा, जो फफूंद है वो जमीन में फैलेगी नहीं और पौधे का जो शुरुआती अवस्था में जो उकठा रोग आएगा, विल्ट जिसको बोलते हैं, वो बीमारी नहीं आएगी। तीसरा, जो पौधे को नत्रजन उर्वरक चाहिए, जो खुराक चाहिए शुरुआती अवस्था में, तो वो जीवाणु है वो पौधे की जड़ों के साथ डेवलप हो जाएंगे और पौधे का अच्छी बढ़वार होगी और नत्रजन जो पौधे को जितनी जरूरत है उतनी पौधे को मिलती रहेगी जी। बिल्कुल, यानी कि अगर पहले ही बीजोपचार कर लेंगे तो संभावित कई जो रोग हैं उनसे बचाव आप पहले ही अपना लेंगे। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूंगी डॉक्टर सिंह का मैं अब रुख करूं और डॉक्टर सिंह ने हमें कृषि वानिकी की उपयोगिता के बारे में बहुत ही अहम बात बताई शुरुआत में ही, और आपने बताया हमें कि किस तरह से जो वायु में धूल कण होते हैं या फिर जिसको उससे भी छोटे कण होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो कई वृक्षों में ये खूबी होती है कि उसको भी वो
रोक ले या रोक ले वायु में, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकने में भी पेड़ों की बहुत अहम जो है भूमिका रहती है। तो ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं जिन्हें लगाया जा सकता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो? जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। वायु में लगभग काफी टाइप के जो कण हैं वो होते हैं, परंतु दो प्रकार के ज्यादातर हम लोग मानेंगे। एक तो डस्ट जो होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं, और दूसरा जो वाहन से या इंडस्ट्री से जो निकलते हैं वो कण। और जो डस्ट है वो भी बहुत हानिकारक होता, परंतु उससे भी ज्यादा जो हानिकारक होता है वो जो वाहनों से और इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता, पोल्यूटेंट निकलते हैं या जो हानिकारक तत्व निकलते हैं वो जो इसमें वायु में आ जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि उसमें जब भी कभी आप हाथ को बाहर रखो जरा थोड़ी देर के लिए या कुछ करो तो कालापन जो है वो उसमें आपको महसूस होगा। तो वो जो कण है वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। और पेड़, ऐसे पेड़ जिनके पत्ते चौड़े हों यदि आप उनको यदि लगाएं, या ऐसे पेड़ जिनमें हल्के पत्ते, पेड़ के पत्ते जो हैं जिसमें हल्के हल्के थोड़े से बाल होते हैं, उन पेड़ों को यदि हम लगाते हैं तो वो जो पेड़ हैं वो आपकी इन जो जितने भी कण हैं इनको अपने ऊपर चिपका लेते हैं, और जब भी वायु जो इनसे निकलती है वो छन कर निकलती है। और ज्यादातर हम लोग ये मानते हैं कि इन पेड़ों को लगाना चाहिए। बरगद पीपल उसी का हिस्सा है, जामुन अर्जुन ये उसी का हिस्सा है, और ये बहुत कॉमन पेड़ है और ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं और गहरी जाती हैं और वो पानी को भी नीचे ले जाती हैं, और साथ में इनके जो पत्ते वगैरह होते हैं या टहनियां होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, पत्ते बड़े चौड़े भी होते हैं, और उससे जो हमारा जो पर्यावरण जो है शुद्ध होता है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है। और जामुन, पीपल, बरगद इनके बारे में तो हमने सुना है, हमारे आस पड़ोस में रहता भी है, लेकिन कई बार हम इसकी उपयोगिता के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो बेहतर है अगर न हो आपके आस पड़ोस में तो इन पौधों को जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो है पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। बहरहाल, इसी तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी हेलो किसान कार्यक्रम में। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जरूर जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। लेकिन फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पर्यावरण सुरक्षा और साथ ही चने में समसामयिक कार्यों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए आप सवाल पूछना चाहते हैं, सुझाव लेना चाहते हैं हमारे खास मेहमानों से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहां लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त परमानंद जी जुड़े हुए हैं भागलपुर बिहार से। परमानंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। परमानंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ना, बिल्कुल रही जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए जी। जी बताइए। हेलो जी परमानंद जी। जी, आपकी आवाज में सुन रहा हूँ। जी जी, क्या जानना चाहते हैं बताइए। जी, आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। नमस्कार नमस्कार। जी जी जी, हम चाहते थे कि अभी एक एक पोखर में खुदाया हूँ, उस पर जो चारों तरफ पोखर के बांध पर हम कौन सा पौधा वृक्ष लगा हुए हैं। जी
ठीक है परमानंद जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। पोखर यानी तालाब आपने बनाया है और आप चाहते हैं कि उसके चारों ओर पेड़ हो, तो कौन से पेड़ लगाने चाहिए जी? बताएं डॉक्टर सिंह, कोई सुझाव देना चाहेंगे इसमें आप? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। जल और वन, ये एक जीवन जो शब्द है, जल और वन को यदि जोड़ दिया जाए तो जीवन भी हो जाता है जी। और पानी को सुरक्षित रखना है तो हमें तालाब में, यदि पानी बाहर है तो जमीन में पानी होना चाहिए, तभी तालाब में पानी होगा। और ऐसे पेड़ जरूर लगाएं जो कि जल को सुरक्षित करें। और जो तालाब के चारों ओर जो पेड़ लगाते हैं वो ज्यादातर जैसे अर्जुन है, जामुन है, आपने देखा होगा बहुत सी पानी की जगह में अर्जुन और जामुन होता है, तो ये पेड़ लगने चाहिए। और छोटे पेड़ जो हैं उनके बीच में, क्योंकि ये पेड़ तो दूरी पर लगेंगे, जैसे 5 मीटर की दूरी पर लगेंगे, उसके छोटे बीच में भी लगा सकते हैं, यूकलिप्टस लगा सकते हैं, आपने कनेर लगा सकते हैं आप, क्योंकि कनेर थोड़ा सूखे एरिया में भी हो जाता, बहुत अच्छा पौधा है, तो छोटे पेड़ और देखने के लिए भी बहुत अच्छे, इसके फूल आते हैं वो भी देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे अर्जुन जामुन जो है परमानेंट या हमेशा हमेशा हरे रहते हैं। और साथ में ये जो मैंने दूसरे पौधे आपको बताए, ये हवा, ये आपको जमीन को भी ये प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षित करेंगे। जो जमीन दूरी में पेड़ लगाते हैं तो बीच में पौधे छोटे होते हैं, तो जमीन जो है उसके कटाव को रोकते हैं, पानी के बहाव को रोकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये देखने के लिए भी अच्छे लगते हैं, और जल भी सुरक्षित होता है और साथ में आपका पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। बिल्कुल परमानंद जी, आपको यहाँ पर सुझाव मिल गया है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो पेड़ है वो जरूर आप लगाएंगे और पर्यावरण सुरक्षा में अपनी भी भागीदारी निभाएंगे। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और रुक करती हूँ मैं हमारे अगले मेहमान का, डॉक्टर बाजिया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो किसान हैं जिन्होंने चना जो है वो समय से बो दिया है, और उन्हें इस वक्त किस तरह के जो समसामयिक कार्य हैं वो करने चाहिए, खासतौर पर अगर सिंचाई की ही बात करें तो कितने अंतराल पर सिंचाई की व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए? जी देखिए, जो चने की फसल है वो दो तरह से इस समय बिजाई की जाती है। एक तो रेनफेड होती है जो बारिश से बिजाई की जाती है जी। दूसरी जो पलेवा करके खेत में अच्छे से सिंचाई करने के बाद में उसकी बुआई की जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने बारिश से, अगर बारिश वाले रेनफेड से अगर बुआई करी है तो अभी पानी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो विंटर के अंदर जैसे ही सर्दियों में बारिश होगी तो उसकी पूर्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी उसकी। और जो जिन्होंने पलेवा देकर अगर बिजाई करी है तो जो चने की फसल है इसके अंदर वैसे भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें दो ही सिंचाइयां अनुमोदित की गई है। पहली सिंचाई फूल आने से जस्ट पहले देना है, और दूसरी सिंचाई जब उसमें फली बनने लगती है तो उस टाइम देना होता है। उस टाइम भी चने के अंदर ज्यादा पानी नहीं देना होता, हल्की सिंचाई देनी होती है, अन्यथा इसके अंदर जड़ गलन और उकटा रोग तरह की बीमारियां और गलने की समस्या आ जाती है जी। तो अभी सिंचाई का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है और किसी भी प्रकार से कोई पानी नहीं देना जी। बिल्कुल, तो सही और अच्छी उपज हासिल करने के लिए जरूरी है कि जो पानी की व्यवस्था है वो भी सही समय पर सही मात्रा में की जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। यहाँ पर विनय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। विनय जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। विनय जी सबसे पहले आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिए। विनय जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, पूछिए सवाल। जी अपना सवाल पूछे। हाँ आवाज हमारी सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मेरा जो जो मैंने अभी चने की बुआई की है जी, तो ये जो बुआई की अभी जो छोटे छोटे पौधे उग पाए हैं वो कट रहे हैं, तरह से नीचे से कट रहे हैं। कट रहे हैं? हाँ जी। कट रहे हैं मतलब पौधे क्या गिर जा रहे हैं या क्या हो रहा है? हाँ हाँ पौधे गिर जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर बाजिया, क्या वजह हो सकती है कि छोटे छोटे हैं पौधे? हाँ, गिर रहे, गिर रहे। जी 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 ठीक है डॉक्टर बाजिया। देखिए देखिए जो आप जो बता रहे हैं, एक तो कोई कीड़ा काट रहा है या पौधा जब उखाड़ते हैं तो उसको पूरा का पूरा उखड़ा हुआ सीधा उखड़ के आ जाता है पौधा बाहर। अगर आपको उसमें कीड़ा नीचे से एरो लगा हुआ है तो उसमें कटवर्म लगा हुआ है नीचे, कोई इंसेक्ट होगी, लार्वी है, सुंडी होगी जो उसको काट रही है।
अच्छा। वैसे जो इसमें चने के अंदर जो है अभी फिलहाल आएगी, तो इस समय जो तापमान और मौसम अनुकूल चल रहा है वो हरी सुंडी का शुरुआती अवस्था में नवंबर में अटैक पाया जाता है। अच्छा। पर इसमें अगर ज्यादा अटैक नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तापमान अब जैसे जैसे डाउन जाएगा तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अच्छा। और अगर उसके अंदर दूसरी एक इस टाइम शुरुआती अवस्था में जैसे बादल वगैरह होते हैं और तापमान ये मौसम अनुकूल रहता है, तो उसमें विल्ट की भी समस्या, जो उखेड़ा है रो उखेड़ा, उसकी भी समस्या रहती है। अगर वो है और पहले भी अगर वो आया है तो वो पैचेज के अंदर होगा, पूरे खेत में नहीं होगा, कहीं कहीं पे स्पॉट्स नजर आएंगे और वो आज से नहीं होगा, पहले से ही होगा। तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक ट्राइकोडर्मा विरीडी करके एक पाउडर आता है, ट्राइकोडर्मा विरीडी जी। तो आप 1 किलो लेकर 20 से 25 किलो गोबर की खाद में मिला लीजिएगा और उसको मिलाने के बाद में पेड़ के नीचे छाया में रख दो और उसको गीला कर दो और बोरी या टाट से उसको ढक दो और बोरी टाट को भी गीली कर दो जी। 7 से 10 दिन तक उसको गीला रखो और 7 से 10 दिन के बाद में आप देखेंगे कि उसके अंदर जो जीवाणु है, जो ट्राइकोडर्मा विरीडी है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जहां पे जो प्रभावित एरिया है उसके अंदर उसको सुबह के समय या शाम के टाइम उसका छिड़काव कर दो और हल्का उसके अंदर जहां जहां प्रॉब्लम है उसमें पानी लगा दो। तो वो जो फंगस है जमीन में जो डेवलप हो रखी है जिसकी वजह से पौधे आपके कट रहे हैं नीचे से, वो ठीक आपकी समस्या हो सकती है। अन्यथा अगर आपका अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके कृषि अधिकारी है, उनको भी आप अपना खेत दिखा के अगर कोई और समस्या है तो उनको अच्छे से समझ में आएगा और उनसे आप सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनय जी, बहुत ही विस्तार से आपको यहाँ पर जवाब मिला है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर संतुष्ट होंगे और जो सुझाव आपको यहाँ पर मिले हैं उस पर आप अमल भी जरूर करेंगे। और इस बीच हेलो किसान कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ाने के लिए, जो उनकी फसल है उसका वाजिब भाव मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने खास तौर पर कदम उठाया है और नए कृषि कानून बनाए गए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से ये जो कानून है ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कृषि और किसानों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 भी इन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। कृषि में सुधार के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं और सरकार का ये उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बने। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। अब किसान उपज में खाद्य उत्पादन बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यापार कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकते हैं। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू होने से अब फसल की पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वही किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देगा। कृषि में हुए इन सुधारों से किसानों को काफी फायदा होगा। जी हाँ।
यहाँ तो ये रिपोर्ट देखिए और देखा आपने कि कितना फायदेमंद है ये कानून। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि जो संविदा पर खेती है ये समय की मांग है और खासतौर पर जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। और इसके लिए अगर आप FPO बनाते हैं यानी कि कृषक उत्पादक संगठन बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ऐसे में जो आपके हित हैं वो इन कानूनों के जरिए सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए ये कानून जो किसान हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आप भी इनका लाभ जरूर उठाइए और FPO बनाइए और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसकी ओर आगे बढ़िए। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है, लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने घर फूंकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता, ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है, और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पर्यावरण सुरक्षा और चने में समसामयिक कार्यों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यही हमारी चर्चा का विषय है। अगर आप भी इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़े, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, आइए इनसे बात करते हैं। हरवीर सिंह जी इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरवीर जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी ये जानना चाहते हैं कि चने की बुवाई किस महीने में की जाती है? जी बिल्कुल, नवंबर के। जी जी चलिए जानते हैं। और डॉक्टर बाजिया, जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बता दिया था कि बुआई के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए दोहरा दे और मैं चाहूंगी कि इसके साथ ही कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दे जिसका चयन किसानों को करना चाहिए। देखिए हरवीर जी, जो सबसे उपयुक्त समय है चने की बिजाई का वो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का। फिर भी अगर आपने बिजाई नहीं की है तो उसके लिए जो लेट सोइंग वैरायटी है जो राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त है वो GNG 1581 है, उसकी बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी और लेट भी आप बिजाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो हरवीर जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहाँ पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और मैं अपने अगले मेहमान का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, जैसे कि हम कृषि वानिकी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसकी उपयोगिता के बारे में आपने हमें बहुत सारी जानकारियां दी है और ऐसे में खासतौर पर जो इस्तेमाल में आती है पेड़ यूकलिप्टस की अगर बात करें तो कुछ लोगों के मन में ये संदेह रहता है और ये बात अक्सर कही जाती है कि यूकलिप्टस लगाने से बचना चाहिए
क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी सोखता है। तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप हमें बताएं कि इसकी क्या असलियत है, क्या होता है और किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो यूकलिप्टस लगाना चाहते हैं। जी, ये एक धारणा सी बन गई है कि यूकलिप्टस पानी सोख लेता है, और सही बात यह है कि पानी सोखता है, ये तो है ही, परंतु आप इस प्रकार से भी देखें कि जो शीशम का पेड़ है या टीक का सागौन का पेड़ है, जितनी लकड़ी वो देता है 20 25 30 साल में, उससे ज्यादा लकड़ी ये 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में दो बार फसल लेने पर ही दे देता है। तो यदि बढ़त तेज होगी किसी चीज की तो वो उतने ही तत्व लेगा, पोषक तत्व लेगा, उतना ही पानी लेगा। तो हमें दोनों तरफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें क्या चीज चाहिए। यदि तो हमें लंबे समय तक के लिए पेड़ लगाने हैं तो ठीक है, यूकलिप्टस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और शीशम या सागौन इस प्रकार के पेड़ तब तक हम लोग लगाएं ताकि उनको हम लोग रखें भी और साथ में कृषि। तो डॉक्टर सिंह, चूंकि हम पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इस दृष्टि से आप सुझाव दें कि किन इलाकों में लगाएं और कितने लगाएं। बहुत ज्यादा लगाएंगे तो जाहिर तौर पर जो पानी की समस्या है उस क्षेत्र में हो सकती है, तो एक अमूमन कितने लगा सकते हैं सूखे में? देखिए, सही बात है कि सूखे में जहां पर थोड़ा सा ज्यादा सूखा रहता है वहां पर यूकलिप्टस नहीं लगाना चाहिए। जहां पर थोड़ा पानी है वहां पर तो यूकलिप्टस बहुत अच्छा है और लगाना भी चाहिए। जहां पानी बहुत ज्यादा है वहां पर यूकलिप्टस लगाना ही चाहिए, ये भी जरूरी है। तीसरा, आपको यूकलिप्टस किस चीज के लिए चाहिए? देखिए, बहुत सी जरूरी है, पेपर। आजकल क्या हो गया है कि हम लोग पेड़ों से पेपर लेते हैं और बहुत से टिम्बर लेते हैं या और भी प्रकाष्ठ हम लेते हैं पेड़ों से, और वो पेड़ कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर जंगलों में। और यदि हमें जंगलों को बचाए रखना है तो हमारे लिए थोड़ा जरूरी है कि हम जंगलों से बाहर कुछ पेड़ लगाएं। सरकार ने अभी बहुत ही अच्छी स्कीम जो है लॉन्च की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हर मेड़ पर पेड़। उसका मतलब यही है कि हम पेड़ों को अब जंगल में तो लगाते ही हैं, हम अब खेतों में भी लेके आए उनको और वहां पर हम पेड़ लगाएं तो हमारी पर्यावरण सुरक्षा भी होगी और साथ में जो पेड़ों से उपज होगी उससे जो हम लोग अपने जंगलों को बचा सकेंगे वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब भी जंगल में कभी आग लगती है तो जंगल में नुकसान नहीं होता, आसपास के सारे खेत खलियान या बहुत से और दूसरे क्षेत्र हैं, शहर हैं, वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जरूरी यही नहीं है कि हम लोग पेड़ जो है जंगलों में लगाएं, पेड़ जंगलों के बाहर भी लगाएं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर मेड़ पर पेड़ या खेतों में पेड़ और उसमें यूकलिप्टस पॉपुलर जहां जहां भी लग सकते हैं। जैसे यूकलिप्टस जो है समुद्र तल से यहाँ पे पॉपुलर का आपने जिक्र किया और पॉपुलर जो है वो वाकई बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है किसानों में, तो इसके बारे में भी जानेंगे हम आपसे आगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। मुकेश जी इस वक्त उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल यह है कि चेन्नई में इल्ली का प्रकोप होने पर कौन सी दवाई स्प्रे करना चाहिए या कैसे नियंत्रण करना चाहिए इल्ली के? जी जी बिल्कुल, डॉक्टर बाजिया बताएं, इल्ली का प्रकोप हो तो क्या करें किसान? जी मुकेश जी, देखिए आपके जो चना है यहाँ पे जल्दी आई थिंक बिजाई कर देते हैं और अभी फ्लावरिंग स्टेज आई नहीं होगी, और अगर फिर भी आपको ज्यादा अटैक है और उसमें नुकसान वाली स्थिति लग रही है तो आप उसके लिए तीन चार मैं आपको केमिकल सजेस्ट करूंगा, जिसके अंदर स्पाइनोसेट 45% SC 0.1 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से। दूसरा है, अगर ये नहीं मिलता है तो एक फ्लुबेंडामाइड 48% SC सॉल्यूशन आता है जिसका 0.1% ml प्रति 0.1 ml प्रति लीटर वाटर। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC 0.4 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको मैं एक, जो किसान भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कोई भी कीटनाशक दवाई छिड़काव करें तो उसके अंदर एक स्टिकर आता है एडजुवेंट जिसको बोलते हैं, वो 15 लीटर की टंकी के अंदर 5 से 7 ml 15 लीटर में जरूर मिला है। उससे क्या होगा कि जैसे एक तो दवाई की एफिकेसी बढ़ जाएगी और लंबे समय तक दवाई इफेक्टिव रहेगी, और जैसे मौसम खराब हो, बारिश आने वाली हो तो वो अंदर तक, पौधे के अंदर तक पहुंच जाती है और कीड़ों को पूरा अंदर छुपे हुए हैं उन पे भी वार करती है जी। तो ये स्टिकर जो आता है एडजुवेंट जरूर हर दवा के अंदर मिलाकर छिड़काव करें।
जी बिल्कुल। तो मुकेश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा यहाँ पर, और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और पॉपुलर का जैसे कि जिक्र किया था डॉक्टर सिंह, मैं चाहूंगी कि बताएं आप कि जो किसान हैं वो किस तरह से उनका फायदा पॉपुलर लगाने से उनको होगा, और क्या क्या जो बातें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए अगर पॉपुलर लगाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। पॉपुलर एक ऐसा पौधा है जो वैसे ही पॉपुलर है, और देखिए उसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं, सर्दियों में वो पत्ते छोड़ देता है। तो जो जैसे अभी डॉक्टर साहब भी चने के बारे में बोल रहे थे, चना हो, गेहूं हो, या बरसात में कोई दूसरी फसल हो जिसमें पानी नहीं रुकता हो, ऐसी पौधे जो हैं वो आप पॉपुलर के बीच में लगाएं तो लगभग 3 से 5 साल तक आप उसमें खेती ले सकते हैं। एक दूसरा, ये जो पौधा है ये सर्दियों में इसको हम लगाते हैं, जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में, ज़्यादा फरवरी 15 फरवरी के बाद नहीं लगाना चाहिए, उससे पहले पहले लगा लेना चाहिए। लगभग 8 से 9 फुट की इसकी हाइट, 6-7 से 9 फुट की हाइट जो है ऐसा पौधा लगाएं, और ढंग से पौधा लगाएं, 5 मीटर दूरी रो टू रो रखें लाइनों से, और 2 मीटर की दूरी जो है वो आप पौधे से पौधे रखें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है खेत में खेती भी होगी और खेत में पेड़ भी होंगे, और लगभग 6 से 7 साल बाद जो है आपको बहुत अच्छी एक फसल दे देता है ये। और साथ में जरूरी ये है कि लगभग 3 साल तक इसको एक काम जरूर करना चाहिए कि इसके जो पत्ते हैं नीचे के वो 1/3 भाग के पत्ते या टहनी जो है वो हटा देने चाहिए, जिससे कि ये पौधा जो सीधा लंबा जाए, तो आपको जो टिम्बर या प्रकाष्ठ मिलेगा वो लंबा प्रकाष्ठ मिलेगा और सीधा मिलेगा, और उसकी आपको कीमत बहुत अच्छी बाजार में मिलेगी। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल करते हैं। मिथिलेश इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मिथिलेश, स्वागत है आपका, पूछे सवाल। मिथिलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, हेलो जी मिथिलेश जी, सुन रहे हैं आपको? टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा मिथिलेश जी, बातचीत में से रुकावट आएगी। बताइए अपना सवाल पूछिए। चने की खेती के लिए कौन सा नस्ल जो है अभी, कौन सा किस्म जो है जी, कौन सी किस्म अच्छी है जी? जी डॉक्टर बाजिया बताएं, बिहार के लिए चने की कौन सी अच्छी किस्म किसानों को चुननी चाहिए? बिहार के लिए काबुली 4 नंबर है, जीएनजी 2144 है, जीएनजी 1958 है जी, और अभी समय वैसे भी काफी लेट हो गया है चना, आपको मैं सुझाव नहीं दूंगा कि अब लगाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर बाजी, यहाँ पे जानना चाहूंगी आपसे कि जो चने की फसल किसान ले रहे हैं, खरपतवार नियंत्रण का जो है व्यवस्था जो है उन्हें किस तरह से करनी चाहिए? जी बिल्कुल, किसान भाइयों जिन्होंने जिनका लगभग बिजाई का लगभग 1 महीना पूरा हो गया है, 25 से 30 दिन की फसल हो गई है, उनको इस समय हाथ से निराई गुड़ाई करके जो भी खरपतवार खेत में उगे हुए हैं उनको निकाल देना चाहिए, और जिन किसान भाइयों ने अगर बिजाई अभी करनी है या अभी 1-2 दिन में की है तो उनके लिए एक कीटनाशक, ये जो खरपतवार नाशी दवा है पेंडीमेथिलीन 30% ईसी जी जी, जो 2 से 3 दिन तक, बिजाई के 3 दिन तक उसका छिड़काव खेत में कर सकते हैं, 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर, 800 से 1000 लीटर पानी की मात्रा पूरी रखनी है जी। अगर आपने 3 दिन से ज्यादा कर दिया तो चने के जमाव पे प्रभाव पड़ेगा और उसका अच्छे से जवाब नहीं हो पाएगा जी। बिल्कुल, 3 दिन के बाद में बिल्कुल भी इसका खरपतवार नाशी दवा का यूज नहीं करना है, और उसके बाद में जब फसल 60 से 65 दिन की हो जाए तो एक बार दोबारा फिर उसकी निराई गुड़ाई हाथ या खुरपी से निकाल दे, ताकि जो भी घास उसमें उगा हुआ है खरपतवार है वो बाहर हो जाए और उसमें हवा का नमी का संचार अच्छा बना रहे जी। बिल्कुल, जो मुख्य फसल है आपकी उसकी अच्छी बढ़वार के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप जो खर पतवार है उससे छुटकारा पाए, उसका नियंत्रण करें। और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सिंह हमें बताएं कि जो कृषि वानिकी के हैं उनके कई तरह के मॉडल्स हैं, तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप सुझाव दें जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं उसके लिए किस तरह का जो मॉडल है वो किसानों को अपनाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, देखिए सही बात तो यह है कि यदि हम लोग
जहाँ पर पानी है वहां तो यूकलिप्टस और पॉपुलर का बहुत अच्छा एक है, और जहाँ पानी थोड़ा कम है वहां फलों के पेड़ या दूसरे पेड़ जो है वो ले सकते हैं। आंवला आप लगा सकते हैं, आम आप लगा सकते हैं, और आम के बीच में जो है आप खेती जो है वो कर सकते हैं, या इसी प्रकार से आप दूसरे और जो आपको लगता है कि काम जो है वो उसी खेत में कर सकते हैं। आप मशरूम की जो है वो लगा सकते हैं वहां पर अपने एरिया में, आप हनी बीज का जो है वो भी कर सकते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री उसको बोलते हैं हम लोग। कुछ भी ऐसा करें जो कि खेत में हो जाए, और खेत में इस प्रकार से हो कि खेती भी हो और साथ में हमारी, आजकल बहुत अच्छा जो मैं आपको मधु पालन का जो है मधुमक्खी का जो है वो देख रहे हैं कि फूलों की खेती करो और मधुमक्खी जो है वहां पर रख दो, तो उसको आप देखेंगे क्या क्या नहीं मिल रहा उसको, नेक्टर मधुमक्खी को नेक्टर मिल रहा है और फूलों के लिए पॉलिनेशन हो रही है। और इसी प्रकार से और खेती यदि आपने वहां पर लगाई है, पालक लगाया, सरसों लगाया है, किसी प्रकार का भी है, वहां पर भी आप इस प्रकार से पौधे जो है जो मधुपाल मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं। और साथ में आप एक और अच्छा बहुत अच्छा एक है कि बेर लगाएं और साथ में आप वहां पर सरसों की खेती करें और साथ में आप मधुमक्खी का भी वो करें, तो उसका फायदा जो है जो बेर का फायदा है वो मधुमक्खी को मिलेगा और सरसों का फायदा भी मधुमक्खी को मिलेगा, और साथ में इन दोनों को जो है मधुमक्खी का भी फायदा होगा, पॉलिनेशन जो है इसमें होगी। इसी को सही मायने में कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इस तरह से आप कृषि वानिकी को जरूर अपनाएं, साथ में मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, और ऐसे में कई तरह के फायदे और अतिरिक्त आमदनी आपको इससे खासतौर पर मिल जाती है। बहरहाल इसी तरह से हमारी चर्चा जो है वो जारी रहेगी पर्यावरण सुरक्षा और चने में समसामयिक कार्य के विषय पर। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़ते रहें इस कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, और इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले उनका सवाल ले लेते हैं। इंद्रजीत जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी इंद्रजीत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। इंद्रजीत जी सबसे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए। इंद्रजीत जी टीवी की आवाज बंद करें कृपया। ओके मैम। जी पूछिए अपना सवाल। खेती का मतलब बता दीजिए मैम। जी एक बार फिर से दोहरा दें सवाल। चने की खेती के बारे में। कोई खास सवाल? चने की खेती के बारे में तो आज हम चर्चा कर ही रहे हैं, कोई खास जानकारी चाहते हैं? मैं सिंचाई के बारे में जानना है। जी
ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर बाजिया जानना चाहते हैं सिंचाई की व्यवस्था के बारे में, अगर चने की खेती कर रहे हैं तो क्या खास सुझाव देंगे आप उन्हें? देखिए इंद्र जी, मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो चने की खेती है आपकी बारिश वाली है या सिंचाई वाली है। अगर आपने सिंचाई से बिजाई करी है तो आपको पानी अभी नहीं देना है, उसमें दो ही सिंचाई देनी है, वो भी हल्की देनी है। एक तो फूल आने से जस्ट पहले देना है, दूसरा जब आप में उसमें फली बनने लग जाएगी तो उस टाइम हल्की सिंचाई देनी है। बस ये दो सिंचाइयां देनी है। और जो बारिश वाला है तो बारिश के अंदर तो रेन फेड होगा, उसके अंदर जब भी विंटर के अंदर बारिश होगी तो ऑटोमेटिक उसकी पानी की पूर्ति हो जाएगी जी। और फिर भी अगर आपको पानी की सुविधा है तो आप जो रेन फेड है और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पानी नहीं दे। अगर फूल आने से पहले सिंचाई की व्यवस्था बनती है तो उसके अंदर हल्की सिंचाई दे दे। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर बाजिया, चने की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके सामने अक्सर दीमक की समस्या आ खड़ी होती है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सुझाव देंगे, वो बचाव के लिए किस तरह के उपाय कर सकते हैं? जी देखिए किसान भाइयों, ये जो चने के अंदर जो दीमक की समस्या है, ये क्या है कि इसमें दो तरह की समस्या आती है चने के अंदर। एक ये किसान भाई क्या करते हैं कि इसको मिक्स कर देते हैं समस्या को। एक तो उखेड़ा रोग आता है, उखेटा जिसको विल्ट रोग बोलते जी, हैं जी, उखटा रोग कहते हैं, बिल्कुल उखटा जिसको रोग बोलते हैं। तो उस उखटा रोग के अंदर और जो दीमक है उसके अंदर सिम्टम्स है वो लगभग किसान भाई उसमें कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब क्या लक्षण है तो दीमक के अंदर जो पौधा पूरा का पूरा नीचे से जड़ को पूरा काट देगी और पौधा सीधा का सीधा उखड़ जाएगा और ऊपर से सबसे पहले ऊपर से सूखेगा। और जो विल्ट जो रोग होता है उसके अंदर जो पुराने पत्ते हैं वो पहले पीले पड़ेंगे और धीरे धीरे पौधा मुरझाएगा। और दीमक के अंदर पूरा का पूरा पौधा पहले सूख जाए, दीमक के अंदर पूरा पौधा नीचे जड़ से कटते ही ड्राई हो जाएगा और विल्ट के अंदर धीरे धीरे पौधा जाएगा जी। तो जो दीमक की जो समस्या है, अगर जिन खेतों के अंदर समस्या यह है कि जो चने की फसल है ये सूखे में ज्यादा होती है, पानी भी इसमें ज्यादा देना नहीं है, तो अगर हम कोई कीटनाशक दवा का डालते हैं सूखे में तो वो जड़ में देना है। अब वो जब सबसे ज्यादा समस्या आती है तो जो फूल आए और उस टाइम हल्का पानी जब देना हो तो उस टाइम 17.8% SL उसकी 1 लीटर जी मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी के साथ ड्रॉप ड्रॉप करके उसमें दिया जा सकता है। क्लोरोपाइरीफॉस भी दिया जा सकता है 20% SL 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बिल्कुल, तो किसान इस तरह के उपाय अपना सकते हैं जो दीमक की समस्या है उससे छुटकारा पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर सिंह मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब कृषि वानिकी की ही बात हम कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हमारे देश की बात करें तो हम जैव विविधता हो और प्राकृतिक संपदा है इसके मामले में काफी धनी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इसे संजो कर रखें। तो ऐसे में कृषि वानिकी के जरिए किस तरह से जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जा सकता है, और क्या आप सुझाव देंगे हमारे साथियों को इसके बारे में? यदि हम फसल केवल कृषि की फसल लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग फसल लगाते हैं उसको काट लेते हैं और फिर खेत खाली हो जाता है जी। फिर हम लोग कई बार जला देते हैं या कुछ और कर देते हैं, फिर इसमें हल चला देते हैं, तो ये तो एक पार्ट हो गया। यदि हम लोग पेड़ बीच में लगा देते हैं तो पेड़ लगाने से जो जैव विविधता अपने आप में, पेड़ एक लग गया तो वो जैव विविधता थोड़ी सी वैसे ही बढ़ गई। अब आगे जब हम फसल लगाते हैं चुनने के लिए कि किस किस प्रकार की फसल लगाएं, तो हम लोग कुछ भी मतलब ऐसा ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं कि यदि पेड़ के चारों ओर यदि हम लोग इस प्रकार का पौधा लगा दें जो कि छाया में हो जाए, जैसे सिंगोनियम है, इस प्रकार के पेड़। और बहुत सी जरूरत है कि पेड़ अपने आप में पेड़ है तो उसके उसके ऊपर जो है हम जड़ी बूटी की जो बेलदार पौधा लगा सकते हैं या सब्जियों की पौधा लगा सकते हैं जो कि बेल ऊपर चढ़ जाएगी, तो आपको देखिएगा 2-3 टाइप का तो ये पेड़ हो गए। साथ में खेती आप और कर रहे हैं, आप यदि फूलों की खेती ही उसमें करें तो वैसे ही
ही अपने आप में जैव विविधता बढ़ जाती है, और फूलों की खेती करते हैं तो मधुमक्खी अपने आप में ही दूर पार से आ जाती है, तो ओवरऑल एक जैव विविधता का जो रूप है वो अलग हो जाता है। तो हम लोग एक पेड़ लगाने से हम लोग कितने फायदे उसके जैव विविधता के रूप में ले लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम उससे अपने जंगल की जैव विविधता जो है उसको हम बचा लेते हैं। जंगल में पेड़ ही नहीं होते हैं, जंगल में नीचे जो है बहुत से छोटे पौधे भी होते हैं, बड़े पौधे भी होते हैं, छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं, छोटे और जानवर होते हैं, तो उनको सबको हम बचा लेते हैं, और उसके जो पूरे जो फायदे हमें लेने होते हैं वो हम खेतों से के जरिए ही ले लेते हैं। तो हम पर्यावरण सुरक्षा में आप अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कृषि वानिकी को अपनाते हुए। डॉक्टर सिंह आपने और डॉक्टर बाजी आप दोनों ने हमें इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, और इससे किसानों को जरूर बहुत बहुत लाभ होगा, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। जी धन्यवाद। जी हाँ, तो आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से चने की जो फसल है उसमें समसामयिक कार्य कर सकते हैं आप, और अभी तक अगर बुआई नहीं की है तो पछेती किस्म की बुआई आप कर सकते हैं जल्द से जल्द। इसके अलावा कृषि वानिकी को जरूर अपनाइए और पर्यावरण सुरक्षा के जो है उसमें अपनी भूमिका निभाइए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बता दें हम हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में। जी हाँ, कल का विषय रहेगा कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर कल विस्तार से चर्चा होगी, और आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ पाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि अगर कृषि पशुपालन से जुड़े हुए सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे पेज पर जाने के लिए आप हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम का जो पेज है वो खुल जाएगा। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे और होगी विस्तार से चर्चा। आप भी जुड़े रहें लगातार दूरदर्शन किसान के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।